गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम मैंने आपको पेज नंबर 24 में जहाँ तक मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट वाला था वहाँ तक पढ़ाया था। यदि आज मैं आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बताऊंगी, जिसको हम गाइनोशियम भी बोलते हैं, पिस्टिल भी बोलते हैं और कार्पेल भी बोलते हैं। जो गाइनोशियम है, अगर उसमें एक सिंगल पिस्टिल है देन इट इज़ नोन एज मोनोकार्पेलरी, और अगर उसमें एक से ज़्यादा पिस्टिल है देन इट इज़ नोन एज मल्टी कार्पेलरी, और अगर एक से ज़्यादा पिस्टिल्स हैं लेकिन वो आपस में जुड़ी हुई हैं देन इट इज़ नोन एज द सिनकार्पस, लेकिन अगर वो फ्री हैं आपस में फ्यूज नहीं है देन इट इज़ नोन एज द एपिकार्पस। हर एक पिस्टिल के 3 पार्ट्स होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। जैसा कि आपको पहले भी पता है, जो स्टिग्मा है वो एक रिसेप्टर की तरह काम करता है, क्योंकि वो स्टिकी होता है तो पोलन ग्रेन्स आकर उस पर जुड़ सकती हैं। स्टाइल जो है वो एलोंगेटेड डंडी जैसा पार्ट होता है जिसके थ्रू पोलन ट्यूब ट्रैवल करके ओवरी में जाते हैं, जो कि नीचे का बल्जिंग यानी कि स्वेलिंग वाला पार्ट होता है। ओवरी के अंदर एक ओवेरियन कैविटी होती है जिसको हम लोक्यूल भी बोलते हैं, जिसके अंदर आपके ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा ओवेरियन कैविटी के अंदर प्लेसेंटा भी होता है। हमने 11th क्लास में डिफरेंट टाइप की प्लेसेंटेशंस पढ़ी थी। उसके बाद आप देखोगे कि नेक्स्ट पेज पे आपको 4 डायग्राम्स दिए हुए हैं। यहाँ पे जो फर्स्ट डायग्राम है उसमें यही स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, इन तीनों के स्ट्रक्चर को दिखाया हुआ है कि जब हम किसी फ्लावर को डाइसेक्ट करते हैं तो ये तीनों किस तरह से अपीयर होते हैं, और इन तीनों का जो बेस है वो है थैलेमस। उसके बाद जो सेकंड पिक्चर है, सेकंड पिक्चर एक मल्टी कार्पेलरी पिस्टल की है। मल्टी कार्पेलरी मीन्स जिसमें बहुत सारे कार्पल्स हैं एंड सिन कार्पस, वो सभी आपस में फ्यूज्ड है, जुड़े हुए हैं। और थर्ड पिक्चर जो है वो भी मल्टी कार्पेलरी है, मतलब बहुत सारे कार्पल्स हैं लेकिन वो एपो कार्पस हैं, वो आपस में फ्यूज नहीं है। अगर आप ध्यान से देखो तो हर एक कार्पल फ्री है, मतलब आपस में जुड़ा हुआ नहीं है। और जो डी पिक्चर है वो हमें एक एनाट्रोपस ओव्यूल की पिक्चर दिखाई गई है। जैसे मैंने भी आपको बताया, ओवरी के अंदर एक ओवेरियन कैविटी होती है, उस कैविटी के अंदर जो हमें बारीक बारीक दाने दिखते हैं उन्हें हम बोलते हैं ओव्यूल। यही ओव्यूल बाद में जाके जब फ्रूट बनता है तो उसमें सीड्स का काम करते हैं। तो ये यहाँ पर हमें एक ओव्यूल का डाइसेक्टिंग पार्ट दिखा रखा है, और इसमें आप ओव्यूल के साथ एक वर्ड देखोगे एनाट्रोपस। ओव्यूल के भी अलग अलग टाइप्स होती हैं, एनाट्रोपस, ऑर्थोट्रोपस। वो बेसिकली इस बात पे डिपेंड करता है कि जो इसमें फ्यूनिकल, जो इसमें आपका फ्यूनिकल और माइक्रोपाइल है वो किस तरफ लोकेटेड है, उसके अकॉर्डिंगली हमने ओव्यूल्स को अलग अलग नाम दिए हुए हैं। तो यहाँ पर जो हमें स्ट्रक्चर दिखा रखा है वो एनाट्रोपस ओव्यूल का दिखाया हुआ है। एनाट्रोपस ओव्यूल का मतलब होता है जिसमें फ्यूनिकल और माइक्रोपाइल इस पोजीशन में होते हैं। और इसके बाद जो यहाँ पर दिखा रखा है बिल्कुल इसके सेंटर में, ये होता है इसका माइक्रोपाइलर एंड, मतलब एक छेद जिसके द्वारा इसके अंदर पानी या बाकी चीज़ें जा सकती हैं। ये इसका आउटर इंटेग्यूमेंट है जो इसकी बाहर वाली कवरिंग है, देन इनर इंटेग्यूमेंट, उसके बाद होता है न्यूसिलस, और ये जो बीच में ग्रीन कलर का दिखाया हुआ है दैट इज़ द एम्ब्रियो सैक। और इसके बाद जो इस ओव्यूल की अनदर साइड है, मीन्स फ्यूनिकल से जो ऑपोजिट साइड है दैट इज़ द चेलाजल पोल। तो ये डायग्राम आपका बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि कई बार आपके एग्ज़ाम में 2 मार्क्स में, 3 मार्क्स में सिर्फ ये डायग्राम ही ड्रॉ करने के लिए भी आ सकता है। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखें तो प्लेसेंटा में जो बहुत सारे ओव्यूल्स पाए जाते हैं, बारीक बारीक दाने होते हैं जिनको, उन्हें हम मेगास्पोरेंजिया भी बोल सकते हैं। जहाँ पर हम बात कर रहे थे मेल गैमीट की, उनके लिए हम वर्ड करते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम, लेकिन अगर आप बात करोगे फीमेल गैमीट की तो उनके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं मेगास्पोरेंजियम। क्यों? क्योंकि जनरली जो मेल गैमीट्स हैं उनका स्ट्रक्चर एंड साइज फीमेल गैमीट्स के कंपैरेटिवली छोटा होता है, इसलिए उनके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं माइक्रो, और फीमेल वाले के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं मेगा। किसी भी ओवरी में कितने ओव्यूल्स होंगे ये कुछ पर्टिकुलर होता है कि वो कौन सी प्लांट है। जैसे अगर हम बात करेंगे वीट की, पैडी की, मैंगो की, पैडी मतलब राइस, तो उसमें जो ओव्यूल्स हैं वो 1 होते हैं, लेकिन अगर आप पपाया, वाटरमेलन, ऑर्किड्स देखो तो इसमें बहुत सारे होते हैं ओव्यूल। मैंने अभी आपको बताया कि जब आपका जो
ओवरी है जब वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है तो ये ओव्यूल सीड में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो आप किसी भी फ्रूट का आइडिया लगा के पता लगा सकते हो, तो जिसमें भी आपको लगे कि सिंगल बीज पाया जाता है इसका मतलब ये है कि उसमें ओव्यूल भी वन है, और जिसमें बहुत सारे बीज होंगे इसका मतलब उसमें ओव्यूल्स भी बहुत सारे हैं। अब यही जो मैं आपको डायग्राम बता रही थी, इसी डायग्राम को यहाँ मेगास्पोरेंजियम हेडिंग के अंदर थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। इसमें जो ओव्यूल है, अभी मैंने आपको बताया कि प्लेसेंटा के द्वारा वो अटैच्ड होता है, लेकिन उसको अटैच कौन करता है, जो हमने यहाँ दिखाया फ्यूनिकल, इस फ्यूनिकल की हेल्प से वो अटैच होगा। उसके बाद फ्यूनिकल को ओव्यूल से जोड़ने के लिए एक एरिया होता है जिसे हम बोलते हैं हाइलम, यानी कि आप ये कह सकते हो कि हाइलम एक ऐसा एरिया है जहाँ पे आपके ओव्यूल और फ्यूनिकल दोनों आपस में फ्यूज्ड होते हैं। हर एक ओव्यूल के बाहर दो प्रोटेक्टिव लेयर्स होंगी, इनर एंड आउटर इंटेग्यूमेंट, जो उसको प्रोटेक्शन देंगी। उसके अलावा उसके अंदर एक न्यूसिलस होता है जो इन आउटर और इनर इंटेग्यूमेंट के बाद अंदर की तरफ आता है, और इसके अलावा एक इसमें छोटी सी ओपनिंग होती है जिसे हम बोलते हैं माइक्रोपाइल। तो अगर आपसे कोई ये पूछता है कि इस माइक्रोपाइल का क्या फंक्शन है, तो जिस समय आप अपनी सीड को पानी में लगाते हो जर्मिनेट करने के लिए, मिट्टी में लगाते हो, तो माइक्रोपाइल के द्वारा ही उसमें सारे न्यूट्रिएंट्स और जो पानी है वो एंटर कर सकता है। माइक्रोपाइल एंड के बिल्कुल ऑपोजिट होता है चिलाजा, जो कि आपके ओव्यूल का बेसल पार्ट है, मतलब उसका बेस है। तो यहाँ पे इंटेग्यूमेंट्स के बीच में जो न्यूसिलस होता है ये रिजर्व फूड मटेरियल की तरह काम करता है, मतलब जब आपकी सीड ग्रो करेगी जर्मिनेट करेगी तो ये उस समय उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। और इसी न्यूसिलस के अंदर जो ये आपको एक ग्रीन कलर का सर्कुलर सा स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये है एम्ब्रियो सैक, मतलब एक तरह से आप कह सकते हो उसका एम्ब्रियो है, या जिसको फीमेल गैमेटोफाइट भी बोलते हैं। और इसी एम्ब्रियो सैक का अगर हम फर्दर स्ट्रक्चर देखें तो वो आपको नेक्स्ट पेज पे दिखाया गया है, जो मैं लास्ट वाली फिगर है इसको सर्कल कर रही हूँ, ये आपके उसी एम्ब्रियो सैक के स्ट्रक्चर को डिटेल में बताया हुआ है। नेक्स्ट आता है आपका मेगास्पोरोजेनेसिस। अब जैसे हमने उसमें पढ़ा था आपके पोलन फॉर्मेशन वाले में, सिमिलरली यहाँ पर भी जो फीमेल गेमीट है वो पहले मेगास्पोर मदर सेल की फॉर्म में बनेंगे, फिर उस मेगास्पोर मदर सेल से जब मेगास्पोर्स फॉर्म होते हैं, दैट प्रोसेस इज नोन एज द मेगास्पोरोजेनेसिस। तो यहाँ पे जो मेगास्पोर मदर सेल है उसके लिए हम MMC ये शॉर्टकट लिख सकते हैं। तो जब ये मेगास्पोर मदर सेल की फॉर्म में होते हैं उस टाइम ये होते हैं माइक्रोपाइलर एंड पे, जैसे कि आपको इधर दिखाया हुआ है कि यहाँ पर ये माइक्रोपाइलर एंड है और ये मेगास्पोर मदर सेल इधर लोकेटेड है। अब मेगास्पोर मदर सेल होता क्या है, इट इज़ अ लार्ज सेल कंटेनिंग डेंस साइटोप्लाज्म एंड अ प्रोमिनेंट न्यूक्लियस। द MMC अंडरगोज म्योटिक डिवीजन। अब क्या होगा, आपको याद हो तो मैंने आपको तब भी बताया था, जब भी गैमिट्स फॉर्मेशन होंगे तो वहाँ पे जो डिवीज़न होगी वो हमेशा मियोसिस वाली होगी। तो इस MMC में मियोटिक डिवीज़न होगी, मियोटिक डिवीज़न होने की वजह से जब ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो लास्ट में चार मेगास्पोर्स बनेंगे, और क्योंकि ये मियोटिक प्रोसेस था तो वो चारों मेगास्पोर्स हैप्लोइड होंगे, मतलब उनमें जो क्रोमोसोम नंबर है वो हाफ में रिड्यूस हो चुका होगा।